हे गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिव आदमी में। आज हम लोग माइनक्राफ्ट में एक इजीएस्ट वुल फार्म बनाना सीखने वाले हैं। एंड गाइस, आज का शाउट आउट जाता है लक्की गेमर 29 को एंड सीजी फ्लेम एनिमेट को। अगर तुम लोग भी शाउट आउट चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट करना, जिसका भी कमेंट मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट मिलेगा। बट वीडियो में जाने से पहले जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, एंड जो भी नए जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो यार। वो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यार आ गए हैं हम लोग अपने वर्ल्ड के अंदर, एंड हम लोगों को वूल फार्म बनाने के लिए जो भी सामान लगेगा वो सब आप लोगों को वीडियो में पता चल ही जाएगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को डिस्पेंसर ले लेना होगा, एंड आप लोगों को किसी भी साइड को इस टाइप से डिस्पेंसर प्लेस करना होगा। देन उसके बाद आप लोग इसके पीछे चले जाओगे, देन यहाँ पर इसके नीचे एंड यहाँ पर इस टाइप से तीन ब्लॉक डे कर दोगे। यहाँ पर आप लोगों को आगे इस साइड को ऐसे ऑब्जर्वर लगाना होगा, ये जो लाल वाली टिक है पीछे रहनी चाहिए, पीछे से ही आप लोग ऑब्जर्वर लगाना। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसको फिल कर दोगे, देन इसके जस्ट पीछे यहाँ पर आप लोगों को रेडस्टोन लगा देनी होगी। एंड गाइस, उसके बाद आप लोग यहाँ पर से ग्लास ले लोगे, देन इसके तीनों साइड यहाँ पर दो दो की हाइट में ग्लास लगा दोगे, एंड एक ग्लास इसके ऊपर भी लगा दोगे। एंड उसके बाद आप लोगों को इसके जस्ट सामने यहाँ पर तीन ब्लॉक डिक करने होंगे, तो आप लोगों को ऐसे जाने वाला रास्ता टाइप का बना लेना। आप लोग सीधा सीधा भी बना सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोगों को जो सबसे ऊपर वाला ब्लॉक है इसको नहीं खोदना है, ये जो नीचे के ब्लॉक है ये दो ब्लॉक खोदने हैं। देन यहाँ पर आप लोग एक बार खोद के देख लोगे कि ये हमारा ऑब्जर्वर है, इसी के नीचे तक हमें खोदना है, इसके ज़्यादा आगे नहीं खोदना है। तो वापस यहाँ पर आप लोग ब्लॉक लगा दोगे, देन फिर उसके बाद आप लोगों को इसके इधर साइड यहाँ पर खोदना होगा। एंड गाइस, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक चेस्ट प्लेस करनी है, देन उसको कनेक्ट करते हुए एक हॉपर प्लेस कर दोगे। ये हॉपर हमारा जस्ट ये ऑब्जर्वर के आगे वाले ब्लॉक के नीचे ही होना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर से रेल ले लोगे, देन यहाँ पर आप लोगों को रेल प्लेस कर देनी है इस टाइप से। एंड फिर उसके ऊपर आप लोगों को माइन कार्ड विथ हॉपर लगा देनी होगी, देन फिर आप लोग इधर साइड वाले इनको ब्लॉक को फिल कर दोगे। एंड उसके बाद आप लोगों को डिस्पेंसर में शेड्स भर देनी होगी। तो गाइस, इधर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को इस टाइप से इसमें स्टेयर भर देनी है। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेली ब्लॉक लगाते हुए बकरी को मतलब शीप को लेकर आना होगा। आप किस टाइप से भी ला सकते हो, मैं यहाँ पर इसको स्पॉन कर देता हूँ। तो गाइस, यार यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वूल है मतलब हमारी जो शीप है ना वो यहाँ पर स्पॉन हो गई है। तो हम लोग बस थोड़ी देर इसको देखेंगे कि हम लोगों के जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ सिंपली होगा क्या। तो ये जैसे ही हमारे घास को खाएगी तो स्टेयर जो है वो इसकी जो बाल वगैरह है इसको काट देगी, देन वो हम लोगों को यहाँ पर ये वूल दे देंगे। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर एफके करते हैं। तो गाइस, यार अभी आप लोगों ने देखा जैसे ही शीप ने ग्रास को खाया वैसे ही इसकी जो वूल है वो कट के अब हमारी चेस्ट में चले गए होंगे। तो हम लोग चेस्ट में देखते हैं कि इसने हम लोगों को एक बारे में कितना वूल दिया है। तो गाइस, यार यहाँ पर देख सकते हैं इसने हम लोगों को एक बारी में तीन वूल दिया है। एंड ये अब जितने भी बार हमारी ग्रास को खाएगी उतनी बारी हम लोगों को वूल देती रहेगी। आप लोगों को सिर्फ एक ही नहीं बनाना है, आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कलर के बहुत सारे बनाने हैं। मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। तो गाइस, यार यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चार टाइप की कलर वाली वूल को यहाँ पर स्पॉन कर दिया है। देन यहाँ पर मैंने इनके मैकेनिज्म भी बना दिए हैं, तो आप लोग इसी टाइप से और भी बहुत सारी बना सकते हैं। गाइस, यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड गाइस, तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से फॉलो कर दो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।